मुझसे डिसाइड करने चला गया। क्या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीईसी जो पेपर 2020 में हुआ था, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि अब डेली क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे एग्रीकल्चर के, ठीक है, वही पैटर्न पे जो बीसीईसी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उन्हीं जो मॉडल पेपर हम देंगे उन्हीं से कवर हो जाए, ठीक है। और जो टॉपिक है हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आपको इसमें मिलेंगे। तो कल से हम लोग जो है डेली 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज कौन सा देखेंगे, जो 2020 में पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसको देखेंगे। देखिए ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या था। देखो दिया है एसिड एसिड सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय, यानी अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। तो अम्लीय मृदाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। तो उस केमिकल का नाम क्या है, लाइम, लाइम एप्लीकेशन। जब देखो एसिडिक सॉइल में क्या है, चूने का हम प्रयोग करते हैं तो उसका पीएच जो क्या हो जाता है, वो पीएच बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अम्लीय मृदाओं कैसे सुधारा जा सकता है, चूने का प्रयोग करके। और याद रखना एल्कलाइन सॉइल या एल्कली सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं जिप्सम का, जिप्सम और पायराइट। याद रखना एल्कली सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए जिप्सम या पायराइट का प्रयोग करते हैं, या जिप्सम कर सकते हैं या पायराइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा H2SO4 भी इसमें यूज हम कर सकते हैं। और सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए, सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए क्या करते हैं, फील्ड में फ्लडिंग करते हैं, फ्लडिंग या पानी भर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, लीचिंग होने लगती है, जितने भी साल्ट सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ड्वार्फ व्हीट वेराइटी ऑफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की पहली बोनी किस्म। तो विश्व की जो पहली बोनी किस्म है वो है नॉरिन 10। विश्व की सबसे पहली बोनी किस्म क्या है, नॉरिन 10, ठीक है। अब ये जो वैरायटी है ये डेवलप ये यूज की जाती है गेहूं को बोना बनाने में, है ना, एक जीन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है अब। तो इसकी पहली, विश्व की पहली बोनी प्रजाति कौन सी है, नॉरिन 10। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया है,
देखो अगला क्या क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किंग ऑफ सीरियल। देखो बीसीसी एग्जाम में क्या है, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, बहुत ही बेसिक आते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि किंग ऑफ सीरियल यानी खाद्यान्न फसलों का राजा किसको कहा जाता है, या अनाजों का राजा, ठीक है। तो अनाजों का राजा भाई किसे कहा जाता है, गेहूं को, ठीक। क्वीन किसको कहा जाता है, मेज को, ठीक है। तो याद रखना दोनों। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया वाज रिलीज्ड इन विच क्रॉप, यानी कि जो भारत में किस्म, पहली किस्म जो है संकर किस्म किस फसल की निकाली गई थी। तो पहला ऑप्शन है राइस, मेज, व्हीट एंड पोटैटो, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी डेवलप की गई थी हाइब्रिड, मेज की, कब, 1961 में। कब डेवलप की गई थी, 1961 में। उस फर्स्ट हाइब्रिड का नाम है गंगा, गंगा वन, गंगा वन। और 1961 में ही मेज की चार वैरायटी, इसके साथ तीन और डेवलप की गई थी, गंगा 101, गंगा के अलावा गंगा 101, रंजीत, रंजीत और डेक्कन, ठीक है। ये चार वैरायटी जो है, जो चार प्रजातियां जो है वो मेज की कब डेवलप की गई थी, 1961 में। तो इनमें भी जो सबसे पहली वैरायटी थी वो कौन सी थी, गंगा वन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। चलिए अगला सवाल, द ग्रेन यूज फॉर मेकिंग बियर एंड विस्की, है ना, ये सबको पता होगा, बियर और विस्की बनाने के लिए किस अनाज का प्रयोग किया जाता है। बियर या विस्की क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो किसका बनाया जाता है, जौ का, बार्ले का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बार्ले। और साइडर किसका बनाया जाता है, एप्पल का, ठीक है। और अगर हम बात करें फैनी की, तो फैनी पाम से बनाया जाता है, ठीक है, पाम से। तो याद रखना, बार्ले से क्या बनाया जाता है, बियर या विस्की। साइडर किससे बनाया जाता है, एप्पल से, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है, रशियन जाइंट इज अ फॉडर वैरायटी ऑफ, रशियन जाइंट जो है वो चारे, किस चारे की फसल है, फसल की किस्म है, सॉरी, किस चारे वाली फसल की किस्म है। तो रशियन जाइंट जो है वो किसकी वैरायटी है, काउपी की है, है ना, किसकी है, काउपी की, जो फॉडर पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या। तो ऑप्शन है 16, 18, 12 या 20, बताइए भाई कितने होंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, हैं तो 17 इसमें, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, सही 16 होगा, क्योंकि पुराना 2020 में पुरानी बुक्स में 16 दिया है, ठीक है। जो रिसेंटली एडेड न्यूट्रिएंट है वो है निकेल, ठीक। तो याद रखना, जो टोटल एसेंशियल हैं वो कितने हैं, 17 एलिमेंट हैं, तो याद, ठीक है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और भी जो अन्य 8 न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक, ठीक है, और अदर हैं वो देख लेना, बोरान, मैग्नीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, आम में काली टिप जिसे कोयली रोग कहा जाता है ना, तो किसकी कमी से होता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो मैंगो में जो ब्लैक टिप रोग होता है वो पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है ना। तो जहां पर ईंट के भट्टे पाए जाते हैं वहां पर ब्लैक टिप हो जाता है, देखा होगा मैंगो इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का। तो ब्लैक टिप में क्या हो जाता है, इस प्रकार का स्पॉट पड़ जाता है, नीचे धब्बा पड़ जाता है ना, तो धीरे धीरे पूरा आम खराब हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हो जाता है ना। तो यहाँ पर पूछा किस तत्व की कमी से होता है, तो बोरान की कमी से, ठीक। वैसे बेसिकली होता किससे है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहां पे बोरान सही किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, सोलम कंप्राइजेस ऑफ, सोलम जो है, सोलम में क्या शामिल होता है, सोलम क्या होता है, जब ए और बी संस्तर को मिला देते हैं, ए और बी संस्तर को मिला के कहते हैं सोलम, है ना। जब ए बी सी तीनों को मिला दें, ए बी प्लस सी, है ना, या हम कह सकते हैं सोलम प्लस सी, तो उसको कहते हैं रेगोलिथ। क्या कहते हैं, रेगोलिथ, ठीक। तो जो सॉइल प्रोफाइल होती है
उसमें मास्टर होराइजन की संख्या जो होती है, मास्टर होराइजन की जो संख्या होती है वो होती है 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मास्टर होराइजन? ओ ए बी, ओ ए ई बी और सी, है ना, ये मास्टर होराइजन होते हैं। तो ए और बी को मिला के क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं, और सी को भी अगर इंक्लूड कर लें तो वो क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल होती क्या है? सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल काट होती है ना, ऊर्ध्वाधर कटिंग होती है सॉइल की, जो कि हम यूज करते हैं उसके न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट कंटेंट को चेक करने के लिए, या हमें अगर 100 साल पहले अगर मान लो बाद में चेक करना हो कि ये सॉइल कैसी थी, तो उसकी सॉइल प्रोफाइल को कट करके लैब में रख लिया जाता है ना, तो जिससे कि हम उसी उस सॉइल से उसकी प्रॉपर्टी आगे जांच सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ए प्लस बी होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी जो है ई में ही शामिल होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, सीड्रिल एंड हॉर्स होइंग बर इंट्रोड्यूस्ड बाय, सीड्रिल और हॉर्स हो की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सीड्रिल और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री की खोज की थी किसने? हॉर्स हो हस्बेंड्री, है ना, जेथ्रो टुल। इन्होंने वीड साइंस टर्म भी दिया था, वीड शब्द जो है वो टर्म भी दिया था, और फादर ऑफ वीड साइंस भी जेथ्रो टुल कहलाते हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, अंडर राइट राइस कल्टीवेशन वीडिंग इज प्रैक्टिस्ड बाई यूजिंग, धान में निराई करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है भाई धान में निराई करने के लिए, है ना, वीडिंग के लिए, वीडिंग यानी वीड को रिमूव करने के लिए कौन सा यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्टार वीडर, कोबरा हेड वीडर, जापानीज रोटरी वीडर, या क्या दिया है, ग्रैंपा वीडर, है ना, तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है? जापानीज रोटरी वीडर। ठीक है, स्टार वीडर किसमें यूज किया जाता है? ग्राउंड नट में, ग्राउंड नट। ठीक, इसको याद रखना, स्टार वीडर भी याद रखना, ग्राउंड नट में यूज किया जाता है, और रोटरी वीडर किसमें प्रयोग किया जाता है? वीडिंग के लिए, राइस में। ओके, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल, मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है, है ना, तो जो रेड सॉइल होती है वो किस कारण रेड होती है? हेमेटाइट के कारण, है ना, Fe2O3। तो जब इसमें वाटर मिला देते हैं तो येलो कलर हो जाता है, लिमोनाइट बन जाता है ना, तो लाल कलर का, लाल मृदा का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण। अगर पूछा जाए ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों होता है, तो याद रखना टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण, है ना, तो याद रखना काली मृदा का काला रंग क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट या क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण। पूछा क्या गया है? लाल मृदा का लाल रंग, है ना, किसके कारण होगा? हेमेटाइट के कारण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ नॉर्मल सॉइल, सामान्य भूमियों की, भूमियों का स्थूल घनत्व मान कितना होता है? तो जो सामान्य नॉर्मल सॉइल होती है उसका जो बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर सीसी, ये यूनिट है किसकी? बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी होती क्या है? इसमें ड्राई अगर देखें तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट वेट ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, तो जितना वॉल्यूम सॉइल का है उसमें से कितना वेट जो है वो ड्राई सॉइल का है, उसमें कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा? बल्क डेंसिटी के द्वारा। ठीक है, वो जो नॉर्मल सॉइल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.33। अगर पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू पूछी जाए तो इससे दुगनी होती है पार्टिकल डेंसिटी, है ना, तो पार्टिकल डेंसिटी जो है वो सॉइल सॉलिड्स की ली जाती है ना, सॉलिड पार्टिकल की, तो उसमें एयर रिमूव कर देते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 2.66 आ जाती है, है ना, तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सॉइल कलर इज मेजर्ड बाय, मृदा का रंग का आंकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लिटमस पेपर, मुनसेल कलर चार्ट, टेंसियोमीटर या क्रोमेटोग्राफी, तो किसके द्वारा किया जाता है? मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा, है ना, तो इसमें तीन वैल्यू देखते हैं हम लोग, यू वैल्यू और क्रोमा, है ना,
क्रोमा क्या बताता है? प्योरिटी. क्या बताता है? प्योरिटी. और वैल्यू क्या बताता है? डार्कनेस और लाइटनेस. ठीक. और ये वेवलेंथ ऑफ कलर है ना. तो यू क्या बताता है? वेवलेंथ बताता है. वैल्यू क्या बताता है? डार्कनेस और लाइटनेस. मृदा का रंग हल्का है कि गहरा है ये बताता है क्या? वैल्यू. क्रोमा क्या बताता है? प्योरिटी ऑफ कलर. ठीक है, तो इसको याद रखना. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. और देखो इसमें टेंसियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो टेंसियोमीटर का भी याद रखना. सॉयल सरफेस टेंशन में है ना, या सॉयल मॉइस्चर को मीजर करने में टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है. ये यूज किया जाता है अप टू या कह सकते हैं लेस देन 8.5 बार्स है ना. इससे नीचे जो सॉयल सरफेस टेंशन वैल्यू जो है या पीएफ वैल्यू अगर मृदा की इतने से कम है तभी ये काम करेगा, अगर इससे ज्यादा है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ लिंट एंड कॉटन सीड इन कॉटन क्रॉप इज कॉल्ड. कपास में रेशा व बिनौले को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना. तो ये क्या कहलाती है? गिनिंग कहलाती है. क्या कहलाती है? गिनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं उटाई. तो गिनिंग परसेंटेज जो है कितनी होती है? 33%. या रुई का प्रतिशत जो होता है वो 33. अगर वैल्यू देखें तो इस वेरी करती है 24 से 43 एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 33% है ना. तो इतना परसेंट जो है वो क्या निकल आता है? इसमें लिंट निकलता है. ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ. ठीक है, चलिए अगला सवाल है ग्लाइफोसेट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइफोसेट. तो ग्लाइफोसेट क्या है भाई? एक क्या है? हर्बिसाइड है. क्या है? हर्बिसाइड. तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ये. बुवाई से पहले यूज किया जाता है. ठीक है, बुवाई से पहले यूज किया जाता है. नॉन सेलेक्टिव का मतलब है जो भी वेजिटेशन आती है इसके सामने वो सबको किल कर देता है. नॉन सेलेक्टिव है. ठीक है, तो ग्लाइफोसेट क्या है? एक हर्बिसाइड है. ठीक, नेक्स्ट है समर प्लाविंग. ग्रीष्मकालीन जुताई का उद्देश्य क्या होता है? समर प्लाविंग का एम क्या होता है? ठीक है, तो जितने वीड होते हैं, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, चेकिंग द सॉयल इरोजन, इरेडिकेटिंग द वीड है ना, तो इसमें सब सही हो जाएगा. समर प्लाविंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है. तो पेस्ट के अंतर्गत फंगस भी आ जाता है, नेमेटोड भी आ जाता है, डिजीज भी आ जाता है, इंसेक्ट भी आ जाता है ना. तो सबको इरोजन को रोकने के लिए भी, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के लिए भी, और वीड को रिमूव करने के लिए ना, समर प्लाविंग इसीलिए की जाती है. तो एम क्या होता है? रोग एवं व्याधि को नियंत्रण, मृदा क्षरण को रोकना और खरपतवार उन्मूलन के लिए करते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कमोडिटी मार्केट डील्स विथ. कमोडिटी मार्केट जो है वस्तु बाजार में व्यापार होता है, तो किसका होता है भाई? वस्तु बाजार है, तो वस्तु क्या है? फूड ग्रेन है. बाकी इसमें बॉन्ड शेयर और ड्रग नहीं आएगा. क्या आएगा भाई? फूड ग्रेन्स. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका. ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट किसका मार्केट डील्स विथ? फूड ग्रेन है ना. किसका बाजार होता है? फूड ग्रेन का. नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो सबको पता है क्या है? मैंगो है ना. तो ये भारत का क्या कहलाता है? राष्ट्रीय फल कहलाता है. इसे बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अगला सवाल है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट बर डिस्कवर्ड बाई है ना. तो जो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की जो खोज है वो किसने की थी बताइए भाई? क्या हो जाएगा? आर्नाउन एंड स्टाउट 1939 में. ठीक है, तो तीन क्राइटेरिया बताए थे इन्होंने, उनको देख लेना. नेक्स्ट है क्लास सेकंड लैंड्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द कलर
यानी जो मर्दा सेकंड वर्ग है उसका रंग किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इसका? येलो। ठीक, नेक्स्ट, मोस्ट डिफिशियंट न्यूट्रेंट इन इंडियन सॉयल। भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? कॉपर, नाइट्रोजन, जिंक या बोरान? तो देखो, अगर देखा जाए भारत में किस न्यूट्रेंट की कमी पाई जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की पाई जाती है। अगर पूछा जाए किस माइक्रो न्यूट्रेंट की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, तो जिंक की है ना। तो अगर इनका सिक्वेंस देखें तब भी ये सेकेंड नंबर पर आएगा, तब भी ये सेकेंड नंबर पे आ गया है ना। तो नाइट्रोजन के बाद किसकी डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी पाई जाती है इंडियन सॉइल में? जिंक की है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी मोस्टली पाई जाती है इंडियन सॉइल में, तो जिंक की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन दोनों में क्या है, नाइट्रोजन आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ सर्पगंधा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो इसका क्या है, रोबोल्फिया सर्पेंटिना है ना, रोबोल्फिया सर्पेंटिना, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम दिया है। ठीक, जितने भी मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट है उनके सबके वैज्ञानिक नाम याद कर लेना है ना, पेपर देने से पहले। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट के क्या क्या याद करने हैं, वैज्ञानिक नाम और उनकी फैमिली क्या है। ठीक है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और हो सके तो कौन सा पार्ट जो है वो उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इनको देख के जाना। चलिए नेक्स्ट है, टाइल ड्रेन्स आर यूज्ड इन है ना, तो सब सरफेस ड्रेनेज के लिए टाइल ड्रेन का प्रयोग किया जाता है, टाइल जल निकास का है ना। तो सब सरफेस ड्रेनेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टाइल ड्रेन्स का भी प्रयोग किया जाता है और मोल्ड का भी किया जाता है, मोल्ड है ना। सबका क्या किया, किसमें किया जाता है, सब सरफेस जल निकास में, उपसतही जल निकास में। ठीक है, नेक्स्ट है, जिप्सम इज यूज फॉर रिक्लेमेशन। अब अभी बताया था जिप्सम का प्रयोग किस मृदा को सुधारने में किया जाता है भाई, क्षारी मृदा को। किसको, क्षारी मृदा को। देखो एल्कलाइन सॉइल लिखा है, यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल नहीं होगा, यहाँ पे होगा एल्कली सॉइल। क्या होगा, एल्कली सॉइल। इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है क्या, क्षारी मृदा। देखो इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी, क्षारी मृदा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम एल्कलाइन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि एल्कलाइन जो है ये पीएच की रेंज को दर्शाता है, यानी कि जिसका पीएच 7.3 से अधिक होगा वो एल्कलाइन कहलाएगा। तो एल्कलाइन में देखो अगर पीएच इससे ज्यादा है तो उसमें सेलाइन सॉइल भी आ जाएगी, तो जबकि सेलाइन सॉइल का जो प्रयोग है वो हम सेलाइन सॉइल में जिप्सम का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लीचिंग से ही, लीचिंग प्रोसेस से ही सब साल्ट को मूव डाउन कराया जा सकता है नीचे, है ना। तो इसीलिए सेलाइन सॉइल में जिप्सम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सही क्या होगा, एल्कलाइन नहीं होगा, सही क्या होगा, एल्कली। ठीक है, एल्कली कोई छारी या सोडिक सॉइल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना एल्कलाइन नहीं होगा, यहाँ पे एल्कली होगा। एल्कलाइन पीएच की रेंज को दर्शाता है। ठीक है, तो पीएच की रेंज में सेलाइन भी आ जाएगा, तो सेलाइन में जिप्सम का तो प्रयोग करते नहीं है। ठीक है, अगर करेंगे तो ये भी आंसर सही होगा ना, फिर सेलाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, बैरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। और टेंसियोमीटर को किससे मापते हैं, टेंसियोमीटर से क्या मापते हैं, सॉयल मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, मृदा नमी तनाव। लैक्टोमीटर से प्योरिटी ऑफ मिल्क या डेंसिटी ऑफ मिल्क मीजर किया जाता है। अगर हम बात करें थर्मोमीटर की,
तो थर्मामीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर को मीजर किया जाता है, ठीक है। एक दो मीटर और याद रखना है, एक दो इंस्ट्रूमेंट और याद रखना है जो हम बता रहे हैं, जैसे रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग किसमें किया जाता है, रेनफॉल को मीजर करने में, कि इंटेंसिटी क्या है रेनफॉल की, या अमाउंट कितना हुआ, कितनी बारिश हुई है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से मीजर करते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, है ना, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो याद रखना, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मीजर किए जाते हैं, जैसे पायर हेलियोमीटर, है ना, सोलर रेडिएशन को मीजर करते हैं। नेक्स्ट है, बताइए भाई, विच द वर्ड क्लाइमेट ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो क्लाइमेट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, बताइए। तो क्लाइमेट शब्द जो है किससे लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक से, है ना, किससे लिया गया है, क्लीमा। क्लीमा का मतलब होता है क्लाइमेट, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रीक, है ना। तो मानसून जो है वो, मानसून भी याद रखना कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून किसका है, अरबी भाषा का, अरेबिक, ठीक है, अरेबिक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सीड रेट फॉर सोइंग ऑफ लेट सॉन बीट वीट इज, यानी देर से बुवाई करने हेतु गेहूं की बीज की मात्रा कितनी ली जाती है। देर से बुवाई का मतलब है लेट सोइंग, है ना, पहले अर्ली करते हैं, एक ऑप्टिमम सोइंग होती है, ऑप्टिमम डेट, फिर कुछ समय बाद करते हैं, कभी कभी क्या होता है फील्ड खाली नहीं होता है सोइंग के लिए, तो हमें लेट करनी पड़ती है ना। तो कितना सीड रेट लेते हैं, तो देखो नॉर्मल सीड रेट इसकी होती है कितनी, 100 किलोग्राम। गेहूं की जो नॉर्मल सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 100 किलोग्राम। तो जब कंडीशन अप्लाई हो, जैसे लेट, अगर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, वाटर लॉग सॉइल है, लेट कर रहे हैं, या ऑनसेट ऑफ मानसून नहीं आया, मानसून नहीं आया है, बारिश नहीं हुई है, या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब ये कंडीशन जो अप्लाई होती है, तो उस समय क्या होता है कि हम 20 से 25% सीड को इंक्रीज कर देते हैं। कब, कंडीशन सुन लो, कब 20 से 25 बढ़ाएंगे सीड की, जब हमें बुवाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करनी हो, तब भी नॉर्मल सीड रेट से 20 से 25% जो है वो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 125, कितना हो जाएगा, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में 20 से 25 बढ़ानी है, और जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तब 20 से 25 बढ़ानी है, और कब करते हैं, लेट सोइंग करते हैं, तब भी 20 से 25% सीड रेट को नॉर्मल से इंक्रीज कर देते हैं, तो कितनी हो जाती है, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, इसमें बताना है कि C4 प्लांट कौन सा नहीं, कौन सा है। तो देखो इसमें C4 अगर देखा जाए तो सुगर केन, सुगर केन क्या है, C4 है, बाकी जो है जो प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं, C3 पौधे कहलाते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे सोरघम, सोरघम क्या है, C4 है, बाजरा ये भी C4 है, है ना, ये क्या है, C4 प्लांट है। C3 प्लांट क्या होते हैं, जिनका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन का हो, वो C3 कहलाते हैं, जैसे PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। और C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 4 कार्बन का होता है, कितने का होता है, 4 कार्बन का, जैसे ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड OAA, ये कितने का होता है, 4 कार्बन कंपाउंड का। तो किसमें, किसमें 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है, सुगर केन, सोरगम और बाजरा में, बाकी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्ट्स ऑफ द सॉइल एंड ऑफ द पोर स्पेस इज कॉल्ड, मिट्टी और छिद्र के, छिद्र स्थान के ठोस भागों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, या हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले, है ना, इसका अरेंजमेंट क्या कहलाता है। तो जो अरेंजमेंट होता है इसका, जो अरेंजमेंट कहलाता है वो कहलाता है क्या, सॉयल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, क्या कहलाता है, मृदा में सैंड सिल्ट और क्ले किस रूप में अरेंज हैं,
यही क्या कहलाता है, सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अगर हम सॉइल टेक्सचर की बात करें, यहाँ पे गलती बिल्कुल ना करना, जो सॉइल टेक्सचर होता है ये बताता है कि सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड सिल्ट और क्ले का प्रतिशत कितना है या प्रोपोर्शन है ना। सैंड सिल्ट क्ले का क्या देखते हैं, प्रोपोर्शन देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं। ये होता है सॉइल टेक्सचर। तो ये सॉइल टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रक्चर को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी मतलब जितना परसेंट पोर पाया जाता है उसमें रंध्र कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पोरोसिटी सरंध्रता कहलाती है। सॉइल कलर बता दिया था अभी है ना, चलिए ठीक है। तो ये याद रखना, सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है आपसे निम्न में बताइए कि मृदा की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर। और बाकी जितने भी प्रॉपर्टी हैं, पोरोसिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, इनको आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, व्हाट टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन फील्ड पी, मटर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, बताइए भाई। पहला ऑप्शन है इपीजियल, वीवीपैरस, हाइपोजियल या आउटर सीड जर्मिनेशन, जिसे कहते हैं इपीजियल को ऊपर भूमिक, जरायु अधोभूमिक या बाहरी बीज अंकुरण। तो याद रखना, सोनाली, नीतीश, वेरी गुड। देखो क्या होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। इसमें हाइपोजियल जो कॉटिलीडन होते हैं सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं ना। हाइपोजियल के केस में क्या होता है, जर्मिनेशन के समय जो कॉटिलीडन होते हैं, बीज पत्र जो होते हैं, मृदा के अंदर ही रह जाते हैं, अंकुरण बाहर आ जाता है ना। तो इसी प्रकार के अंकुरण क्या कहते हैं, हाइपोजियल। इपीजियल के केस में क्या होता है, जो कॉटिलीडन होते हैं वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं, वो क्या कहलाता है, इपीजियल कहलाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यह फील्ड पी क्या है, एक रबी सीजन की क्रॉप है। किसकी है, रबी सीजन की क्रॉप है या रबी सीजन की पल्सेस है। तो जितने रवि सीजन की पल्सेस हैं उनमें याद रखना जो अंकुरण होता है वो होता है हाइपोजियल। किस प्रकार का अंकुरण होता है, जितने भी रवि सीजन की पल्सेस हैं हाइपोजियल होता है। किसको छोड़ के, राजमा को छोड़ के, किसको छोड़ के, राजमा को, है ना। इसमें किस प्रकार का होता है, इपीजियल, ठीक। और जितनी खरीफ सीजन की पल्सेस होती हैं उनमें अंकुरण होता है कौन सा, इपीजियल, इपीजियल, है ना। ये केस है खरीफ वाला, किसको छोड़ के, देखा जाए तो अरहर किसकी है, खरीफ सीजन की है, तो अरहर में किस प्रकार का अंकुरण होता है, हाइपोजियल, हाइपोजियल। तो याद रखना जितनी रवि सीजन की पल्सेस हैं उनमें जो अंकुरण का टाइप होता है, जर्मिनेशन का जो टाइप होता है, वो किस प्रकार का होता है, रवि सीजन की में हाइपोजियल, किसको छोड़ के, राजमा को छोड़ के। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में अंकुरण किस प्रकार का होता है, इपीजियल होता है, किसको छोड़ के, अरहर को छोड़ के। अरहर में किस प्रकार का होता है, ये एक्सेप्शन है ना, हाइपोजियल। देखो जर्मिनेशन के टाइप को चेंज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कि कभी कभी क्या होता है, हम गहराई में, ज्यादा गहराई में सीड बो देते हैं ना, डेप्थ ज्यादा ले लेते हैं, तो उस समय कॉटिलीडन भारी नहीं आ पाते हैं, तो अंकुरण बदल जाता है ना। तो लेकिन एक्चुअली केस यही है, ठीक। नेक्स्ट है द इरिगेशन मेथड ऑफ हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी, किस सिंचाई विधि की जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है ना, वाटर यूज इफिशियंसी। तो किसकी होती है भाई, ड्रिप सिंचाई की। ड्रिप सिंचाई कितनी होती है, 80 से 90% सबसे ज्यादा। इसके बाद होती है स्प्रिंकलर की, इसके बाद किसकी होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसकी होती है 60 से 70, है ना, ये इफिशियंसी है। तो याद रखना सबसे ज्यादा किसकी होती है, ड्रिप सिंचाई की, टपक सिंचाई की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो जितना हम अप्लाई करते हैं वो सब मैक्सिमम वाटर जो है वो प्लांट यूज कर लेता है, वेस्ट नहीं होता है ना। बूंद बूंद करके सिंचाई देते हैं ड्रिपर द्वारा, जहाँ पे रूट होती है, जो
ये मोस्टली बागवानी में यूज की जाती है। किसमें यूज की जाती है? बागवानी में, है ना, जहां पे ऑर्चर्ड लगा होता है। अच्छा जितेंद्र कुमार कौन है भाई, हमारा भी नाम लीजिए। अच्छा भाई कुछ बताओ, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ड्रिप ले दिया ना, आप खुश हो, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई की एफिशिएंसी याद रखना 80 से 90, स्प्रिंकलर की 60 से 70%, और सबसे कम जो वाटर एफिशिएंसी होती है वो होती है फ्लडिंग की, बाढ़ सिंचाई की, है ना। बाढ़ सिंचाई में पानी वेस्ट ज्यादा होता है, पौधा यूज कम कर पाता है, तो सबसे कम किसकी होती है? फ्लडिंग की। सबसे ज्यादा होती है ड्रिप सिंचाई की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दिया है विच सॉयल हैज मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता का मतलब है कि ऐसी कौन सी सॉयल है जो अपने अंदर पानी को कम देर रिटेन कर पाती है, जल्दी से वो, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा नीचे लीच डाउन कर जाता है ना, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है उसमें। तो देखो जिसमें बालू ज्यादा होगी वही होगी, बालू में पानी ऊपर से डालो नीचे तुरंत पहुंच जाता है ना, कम देर तक रिटेन कर पाती बाली बालू। देखो क्यों, उसको समझो, सॉयल में जो है वो दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का जो साइज होता है वो 0.06 mm से अधिक होता है, माइक्रो का साइज होता है लेस देन 0.06 mm से, यस 0.06 mm से कम होता है, ठीक। तो मैक्रो पोर्स में क्या होती है, मोस्टली एयर होती है। देखो अगर हम यहां पे समझना चाहें तो यहां पे देखो इस प्रकार समझिए, ये सॉयल एग्रीगेट है ना, मृदा का समुच्चय, सॉयल एग्रीगेट, ठीक। तो देखो जो एग्रीगेट के बीच में पोर्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं मैक्रो, है ना, और जो पार्टिकल के बीच में पाए जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं उनको माइक्रो पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जनरली मैक्रो पोर्स में क्या होती है, एयर होती है, माइक्रो पोर्स में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो जो सैंडी सॉयल होती है उसमें मैक्रो पोर्स की संख्या ज्यादा होती है, माइक्रो पोर्स की कम होती है। तो जो बड़े छिद्र हैं उनमें जैसे ही पानी जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, रूट जोन के बाहर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक किसकी होती है, तो क्ले की होती है, क्ले स्ट्रक्चर की, ठीक है, टेक्सचर की। तो याद रखना सबसे अधिक जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की होती है, सबसे कम होती है किसकी, सैंड की, ठीक है। और वाटर यूज इफिशियंसी भी क्ले की ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है द मैक्सिमम हार्म टू ओजोन लेयर हैज बीन रिपोर्टेड इन, ओजोन परत की अधिकतम नुकसान किस स्थान पर हुआ है ना, तो ट्रॉपिकल जोन में। कहां पे? ट्रॉपिकल जोन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अच्छा बोल दे। चलिए विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का जैविक खेती राज्य घोषित पहला कौन सा किया गया था? तो 100% जो है ऑर्गेनिक स्टेट किसको कहा जाता है, सिक्किम को। किसको? सिक्किम। फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम को ये किसने घोषित किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, कब? जनवरी 2016। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक खेती कहाँ की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कहाँ की जाती है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना है जी, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है भाई, भुवनेश वर्मा, ठीक है। हाँ इसके बाद नंबर आता है लेकिन पहला पूछा है, पहला पूछा है, ठीक है। तो पहला सिक्किम को ही डिक्लेयर किया गया है, बता दिया है किसने किया है, कब किया है। नेक्स्ट है मेंथा, पेपरमेंट जिसे कहते हैं, मेंथा में प्रवर्धन, है ना, प्रवर्धन मतलब कैसे नया पौधा तैयार करते हैं, सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, कौन से विधि से करते हैं। तो इसमें जो प्रवर्धन होता है मेंथा में वो किसके द्वारा होता है, स्टोलन और रनर्स के द्वारा, स्टोलन और रनर्स के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट है, सीड जो मिटा हुआ है, सोयाबीन में बीज का शोधन, है ना, सीड एनाकुलम्स यूज्ड
इन सोयाबीन क्रॉप, तो सोयाबीन के बीज का शोधन किस से किया जाता है, ना कौन से बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कौन से कल्चर के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फेजियोली, जैपोनिकम और मिलीलोटी। तो याद रखना जो राइजोबियम जैपोनिकम है वही यूज की जाती है किसमें, किसके एनोकुलम, किसके किसकी रूट के लिए या किसके सीड को कल्चर करते हैं इसके द्वारा, सोयाबीन के सीड को, ठीक है। अगर हम राइजोबियम ट्राइफोली की बात करें तो ये यूज किया जाता है किसमें, बरसीम में, किसमें यूज किया जाता है भाई, बरसीम में, ठीक है। अब फेजियोली, फेजियोलस बुल्गारिस या बीन्स, फेजियोलस बुल्गारिस और बीन्स में, मिलीलोटी मिलीलोटस में यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसकी राइजोबियम की टोटल जो है कुल जो स्पीसीज हैं वो लगभग 7 है, ठीक है, तो उसमें से ये 4 दी हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया है विच बायो फर्टिलाइजर इज रिकमेंडेड मेनली फॉर वीट क्रॉप। मैं वीट क्रॉप क्या है, एक सीरियल है, ठीक है, वीट क्रॉप क्या है, एक सीरियल है, और ऊपर क्या दिया था, जो सोयाबीन है वो एक लेग्यूम क्रॉप है। तो लेग्यूम क्रॉप में किस कल्चर का प्रयोग करते हैं, कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, राइजोबियम का, है ना। और इसमें क्या दिया है, वीट क्या है, सीरियल क्रॉप है, तो सीरियल क्रॉप में किस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो एजो स्पायरलम का, किसका करते हैं भाई, एजो स्पायरलम। राइजोबियम किया जाता है लेग्यूम के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला करते हैं किसमें, राइस में, किसमें यूज करते हैं भाई, राइस में, ग्रीन मैन्योर के रूप में, याद रखना इसको, ठीक है। एजो स्पायरलम जो है वो सीरियल क्रॉप में किया जाता है, इसके अलावा इसको प्रयोग कर सकते हैं हम वीट के अलावा सोरगम और सोरगम में कर सकते हैं और बाजरा में भी कर सकते हैं, बाजरा, ठीक है। और एजोटोबैक्टर भी सीरियल में किया जाता है, तो एजोटोबैक्टर भी वीट में कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं वीट में, कॉटन में, सोरगम में, बाजरा में और शुगर केन में, तो याद रखना इसको। ठीक है, ए नहीं होगा, जितेंद्र कुमार है ना, तुम्हारा फिर नाम ले दिया, देखो देखो इसमें ये आंसर नहीं होगा, मैंने बता दिया है कि राइजोबियम लेगुमिनस में यूज करते हैं जिनकी फैमिली लेगुमिनेसी है ना, तो क्या वीट की फैमिली लेगुमिनेसी है, नहीं है, तो सिम्बियोसिस लेग्यूम रूट से ही रहता है राइजोबियम का, सीरियल क्रॉप से नहीं रहता है, ओके। प्रिंस राज, पीडीएफ जो है भाई, इस वीडियो को देख लो, पीडीएफ को क्या करोगे, है ना, बीसीसी कहीं पीडीएफ नहीं मिलता है, वो तो मिल जाता है गलती से, है ना, पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है विच शुगर ऑब्टेंड फ्रॉम ग्रेप्स, अंगूर से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है, बताइए अंगूर से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है, सबका गलत है, ग्लूकोज भाई, आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। अंगूर से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखना जितने सुक्रोज और किस कौन से वाले, माल्टोज वाले, ठीक है, उनका आंसर गलत है, आंसर सही क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है द मेन सॉइल ग्रुप ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया, भारत में लवणी मृदा के मुख्य समूह है, तो लबड़ी मृदा जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है लगभग सभी पाई जाती है ना, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सैलाइन सॉइल भी पाई जाती है, एल्कली सॉइल भी पाई जाती है, ठीक है। तो जो सैलाइन सॉइल का एरिया है वो लगभग है 3.65 मिलियन हेक्टेयर, और अगर बात करें एल्कली सॉइल का तो 3 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, टोटल जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल 7 मिलियन हेक्टेयर है, तो दोनों ही इसमें सभी आ जाएगा, तो सभी जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है तीनों प्रकार की भारत में पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द क्रॉप्स यूज फॉर ग्रीन मैन्योर, हरी खाद के लिए किस फसल का प्रयोग किया जाता है, काउपी, सनहैम्प, सेसबेनिया या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, तीनों फसलें जो हैं
किसके लिए यूज की जाती है? हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकती है, लोबिया, सनई हो गया, ढेंचा, है ना। तीनों का प्रयोग जो है वो आसानी से भारत में किया जाता है हरी खाद के रूप में। और याद रखना एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन मैन्योर फसल उगाई जाती है, तो सनई, ठीक है। और अगर पूछा जाए प्रॉब्लमेटिक सॉइल में किस ग्रीन मैन्योर फसल का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल का मतलब है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या साल्ट की प्रॉब्लम हो या किसी और की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रयोग करेंगे? ढेंचा, ठीक। नॉर्मल सॉइल में किसका प्रयोग करेंगे? सनई का, ओके। चलिए नेक्स्ट, क्रेप साइकिल बिगिंस विथ, क्रेप साइकिल बताइए भाई, क्रेप साइकिल बिगिंस विथ, यानी क्रेप साइकिल जो चक्र है वो शुरू होता है कब, बताइए। क्या होगा? साइट्रिक एसिड। आंसर क्या होगा इसका? साइट्रिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइट्रिक एसिड, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट ईयर इज कॉल्ड, यानी गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइक। क्या बोला जाता है? स्पाइक, ठीक है। नेक्स्ट, इट विल पार्ट ऑफ एप्पल इज नोन एज, सेब का खाया जाने वाला भाग, तो सेब का कौन सा भाग खाते हैं? थैलेमस, फ्लैसी थैलेमस, है ना। क्या खाते हैं? फ्लैसी थैलेमस। इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, व्हाट आर द स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में कौन से चरण होते हैं? तो देखो, प्रोफेज दिया, मेटाफेज दिया, एनाफेज, इसमें सभी होते हैं भाई, है ना। माइटोटिक फेज में सभी फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज, कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक प्राय प्रयोग किया जाता है? तो भारत में देखो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? यूरिया। 86% जो है, जितनी भी हम नाइट्रोजन, भारत में जितनी भी नाइट्रोजन यूज होती है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड में, उसका 86% जो है किसान कौन सी यूज करता है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करता है? यूरिया, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फास्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है, तो डीएपी, ठीक। इससे भी लगभग जो बचा हुआ है कितना, 16%, तो नाइट्रोजन इससे ही देते हैं, डीएपी से, है ना, क्योंकि 18% इसमें पाई जाती है, ओके। चलिए अगला सवाल दिया है, अ नॉवेल टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल बाय सोलर हीट इज क्लेम्ड एज, सोलर ऊर्जा के द्वारा भूमि के उपचार करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सॉयल सोलराइजेशन। क्या कहलाता है? सॉयल सोलराइजेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन पी, अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अरहर का भाई क्या है? केजानस कजान। पाइसम सेटावम किसका है? मटर का। और नेक्स्ट दिया है फेजियोलस ल्यूनेटस, है ना, जो फेजियोलस अभी बताया था, बीन्स का होता है। फिर दिया है लेंस कुलिनेरिस, है ना, तो ये किसका होता है? लेंटिस का होता है, लेंटिल का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, द आइडियल टाइम फॉर बनाना प्लांटिंग, केले के रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है, केले के रोपण के लिए उपयुक्त समय बताइए।
क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर कब प्लांटेशन करते हैं इसकी? अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ सिट्रोनेला बताइए भाई। सिट्रोनेला का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है सिम्पोपोगान वेंटेरियनस या साइनेडोन डेक्टाइलोन या क्या दिया है क्राइसोपोगोन जिजेनिनोइड्स, ठीक है, प्लार्गोनियम ग्रेविलेंस। बताइए भाई सिट्रोनेला का वैज्ञानिक नाम। क्या हो जाएगा? सिम्पोपोगोन विंटेरियनस, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? पहला। नेक्स्ट है, मैंगो माल फॉर्मेशन डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग। बताओ जो मैंगो माल फॉर्मेशन है वो उसको कैसे, आम का जो गुच्छा रोग है कैसे नियंत्रण किया जाएगा? तो प्लान ऑफ फिक्स अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? सॉरी, प्लानोफिक्स नहीं होगा, डाइथेन M45 होगा, क्योंकि फंगस के द्वारा होता है, तो इसको डाइथेन M45 या मेनकोजेब द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉपुलर मेथड ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग बगीचा रोपण की लोकप्रिय विधि क्या है? तो सबसे लोकप्रिय जो विधि है वो कौन सी है? डायगनल सिस्टम, विकर्ण प्रणाली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट, प्राइड ऑफ इंडिया, तो प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो वैरायटी किसकी है? प्राइड ऑफ इंडिया बताइए भाई। किसकी है? प्राइड ऑफ इंडिया, तो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है? कैबेज की वैरायटी है। कैबेज, कैबेज क्या है? एक कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? कोल क्रॉप्स, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कैबेज किसके अंतर्गत आती है? कोल क्रॉप्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा जो विटामिन इनमें पाई जाती है चारों में, वो किसमें पाई जाती है? आंवला में, है ना। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कामू कामू और बारबिडास चेरी, है ना, बारबिडास चेरी में पाई जाती है विटामिन सी, ओके, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, निम्न में बताना है कि स्वपरागित फसल कौन सी है? तो देखो, पैडी है, पोटैटो है, मेज और ग्राउंडनट। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होता है? पैडी में होता है। बाकी मेज, पोटैटो और ग्राउंडनट में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, ओके। पूछा क्या गया था? सेल्फ पॉलिनेशन तो किसमें होगा? पैडी में। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज सोया स्टेट, भारत के किस राज्य को सोया स्टेट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत होता है? मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? MP। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, निम्नलिखित बताना है कि कौन सी वेराइटी किसकी है? मूंगफली की है। तो श्वेता अटल रचना, है ना, रचना किसकी है? मटर की है। तो चित्रा जो है वो किसकी है? ग्राउंडनट की वैरायटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, पीताम्बरी, नेक्स्ट दिया है, पीताम्बरी इज अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप वैरायटी ऑफ, पीताम्बरी किस फसल की शीघ्र पकने वाली है, ना, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है? तो इंडियन मस्टर्ड। पीताम्बरी किसकी है? इंडियन मस्टर्ड। नेक्स्ट, द सॉयल कंपैक्शन इज ब्रोकन बाय, उपमृदा संघनन किस यंत्र के द्वारा तोड़ी जा सकती है? सॉयल, देखो, हार्ड पैन को तोड़ने के लिए कभी कभी क्या होता है, जब हम लगातार हार्ड पैन कई कारण से बन जाता है सब सरफेस में, है ना, सब सरफेस का मतलब है लगभग हम कह सकते हैं 50 से 70 के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में क्या हो जाता है, एक हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से हो जाती है? कभी कभी क्या होता है कि एक ही डेप्थ पे हम जुताई करते रहते हैं, ना, एक ही डेप्थ पे करते रहते हैं, तो इस प्रकार की हार्ड लेयर बन जाती है। तो किसके यंत्र द्वारा इसको ब्रेक किया जा सकता है? तो चेसल प्लाउ के द्वारा, है ना। तो इसका स्पेशली इसी पर्पज के लिए बनाया गया है, क्योंकि हार्ड पैन को ब्रेक करेगा, जिससे वाटर इन्फिल्ट्रेशन
बढ़ेगा, जब वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, वाटर लॉगिंग हो सकती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, सुगर गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त जो है मृदा कौन सी है, बताइए, सैंडी, लोमी या क्ले। तो लोमी सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं हम सुगर केन को, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द बाई प्रोडक्ट ऑफ सुगर केन इंडस्ट्री, गन्ना उपयोग के अन्य उत्पाद, है ना। तो जहां पे सुगर या सुगर बनाया जाता है, तो वहां गन्ने से उप उत्पाद क्या निकलते हैं, खोई निकलती है, बगैसेस, मोलेसेस, प्रेसमेड, है ना, और ऑल ऑफ द अबव। तो सभी बाई प्रोडक्ट हैं किसके, सुगर इंडस्ट्री के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ग्रेप ग्रेप बिलोंग्स टू फैमिली, यानी जो अंगूर की किस कुल का पौधा है, एनाकार्डियसी, मालवियसी, विटियसी या क्रूसीफेरी, है ना। तो मैंगो की क्या है, एनाकार्डियसी है, ठीक, इसकी क्या है, ग्रेप की, विटियसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम ही होता है विटिस बेनिफेरा, तो विटिस से बन गया विटियसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एग्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, जर्सी दिया है, गिर दिया है, थारपारकर या हरियाणा। तो विदेशी नस्ल इसमें कौन सी है, जर्सी, है ना, ये विदेशी एग्जोटिक ब्रीड है, बाकी थारपारकर, हरियाणा और जो गिर है वो देसी नस्लें हैं। ठीक है, वो देसी नस्लें हैं। नेक्स्ट, आम्रपाली इज अ फेमस वैरायटी ऑफ, आम्रपाली किस फसल की फेमस वैरायटी है, तो आम्रपाली किसकी है, मैंगो की। इसका क्रॉस भी याद रखना, क्या है, नीलम इंटू दशहरी। ठीक है, नीलम इंटू दशहरी, इसका जो उल्टा होता है, नहीं नहीं नहीं, ये मल्लिका का होता है, इसका होता है दशहरी इंटू नीलम, इसका क्रॉस क्या होता है, दशहरी इंटू नीलम, ये होता है आम्रपाली का। मल्लिका का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो नीलम इंटू दशहरी मल्लिका का होता है। तो अगर पूछा जाए कि नीलम और दशहरी किसके पेरेंट हैं, किस वैरायटी के पेरेंट हैं, तो किसके किसके हो जाएंगे, मल्लिका के हो जाएंगे और आम्रपाली के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, निम्न में से बताना है, सिस्टम की प्रणाली नहीं है। तो देखो, मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो सिस्टम की प्रणाली नहीं है, एक फार्मिंग का प्रकार है, पद्धति नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो है, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव और पीजेंट, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, करनाल बंट इज कॉज्ड बाई फंगस, करनाल बंट जो है किस फफूंदी के कारण होता है। तो देखो, करनाल बंट जो होता है निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है, जिसका दूसरा नाम है टिलेटिया इंडिका। ठीक है, टिलेसिया इंडिका, क्या नाम है, टिलेसिया इंडिका। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका पहला नाम है, ओल्ड नेम है, वो है निवोसिया इंडिका, जो कि किसके कारण होता है, फंगस के द्वारा। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मित्रा एटाल ने। ठीक है, किसने, मित्रा एटाल, 1931 में। एक चीज और याद रखना, इसका अन्य नाम है करनाल बंट का, पार्शियल बंट भी कहते हैं, पार्शियल बंट। ठीक, और जब ये डिजीज खेत में हो जाता है, फील्ड में हो जाता है, प्लांट में हो जाता है, तो फील्ड से एक फिसी स्मेल आती है, किसके कारण, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण, ट्राई मिथाइल एमीन के कारण। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, यानी आलू का जो पछैती झुलसा है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखो, लेट ब्लाइट जो है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पोटैटो के किससे होते हैं, फंगस के द्वारा होते हैं। लेट ब्लाइट के फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ठीक, तो ये फंगस है, तो जाहिर सी बात है, फंगस को किल करने के लिए कौन सी दवाई यूज करेंगे, फंजीसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, कवकनाशक, ठीक है, या फंजीसाइड। और जो अर्ली ब्लाइट होता है वो किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। ठीक है, तो ब्लाइट जितने होते हैं वो लगभग फंगस के द्वारा होते हैं, तो कंट्रोल भी फंजीसाइड से करेंगे। नेक्स्ट है, लूज स्मट ऑफ बार्ले, लूज स्मट ऑफ बार्ले किसके कारण होता है, ढीला स्मट, है ना। तो अस्टिलेगो होर्डी के कारण होता है बार्ले का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्टिलेगो होर्डी, आंसर पहला सही हो जाएगा, फंगस का नाम दिया है। नेक्स्ट है, मेजर न्यूट्रिएंट इन प्लांट सिस्टम, मेजर का मतलब है प्राइमरी, मेजर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी, मुख्य पादप, है ना। तो प्राइमरी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि
अप्लाई करते समय सबसे ज्यादा हम यही अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्यों? क्योंकि प्लांट सबसे ज्यादा अपटेक इन्हीं का करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो प्राइमरी के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। डिजीज, टिक्का डिजीज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? टिक्का जो रोग है वो किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज, बताइए भाई जल्दी फटाफट आंसर। आंसर आना शुरू हो गया। भुवनेश वर्मा, योयो, तालिब, सोएब अख्तर, भाई सोएब अख्तर, सोएब अख्तर भी देख रहे हैं, अच्छा रिमी, वेरी गुड। जिन लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, नीतीश मेहता को छोड़ के। नीतीश मेहता बता रहे हैं भाई ग्राम का है। टिक्का जो है वो किसका है? ग्राउंडनट का रोग है भाई। किसका है? ग्राउंडनट का। इसे लीफ स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो टिक्का होता किसके द्वारा है? फंगस के द्वारा। तो टिक्का जो होता है वो दो तरह से होता है। इसमें एक होता है अर्ली लीफ स्पॉट, एक होता है लेट, या लेट टिक्का कह लो या अर्ली टिक्का कह लो, है ना। तो जो अर्ली टिक्का होता है वो होता है सर्कोस्पोरा एरएचडी कोला नामक फंगस से। किससे? सर्कोस्पोरा एरएचडी कोला, ठीक है। ये अर्ली होता है इससे टिक्का। और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो होता है इसके द्वारा कौन सा होता है? पर्सोनाटा, पर्सोनाटा, ठीक है। इससे ये होता है लेट लेप लेट लीप स्पॉट, ये होता है अर्ली, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, फंगस के द्वारा होता है। कंट्रोल किससे किया जाएगा? फंजीसाइड से। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया, एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, गाय का औसत गर्भकाल। तो गर्भकाल सभी जानते होंगे कितना होता है, 283 दिन, या 283 या 285 दिन की बात है ना। तो गर्भकाल क्या होता है? जिस दिन हम कंसेप्शन का, जिस दिन कंसेप्शन होता है ना, या जिस दिन सर्विस कराते हैं उससे फर्स्ट बर्थ तक, है ना, बर्थ तक जो बीच में जो समय होता है वो क्या कहलाता है, है ना। पहले भाई ये क्या नाम है आपका? एनीथिंग, एट द रेट एनीथिंग, है ना। स्टार्ट, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, परेशान मत होइए, पहले इसको खत्म होने दीजिए, है ना। आप थोड़ा देख दाख के कमेंट किया करिए, क्योंकि आपके चक्कर में किसी और का नहीं देखते हम फिर। क्या फायदा भाई, बोल तो दिया है, क्या प्रॉब्लम है? क्लास हो जाएगा, है ना, शेड्यूल लगा होगा उसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। नाइट्रेट टू नाइट्रोजन यानी कि जो सॉयल नाइट्रेट है, सॉयल में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनाइट्रिफिकेशन। जस्ट इसकी उल्टी होती है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जस्ट इसकी उल्टी होती है नाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, सॉयल बैक्टीरिया के द्वारा। उसके नाम क्या क्या है? बैसिलस और स्यूडोमोनास। बैसिलस और स्यूडोमोनास के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट दिया है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा स्रोत क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड का? तो फिश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है, द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिन ऑफ द सिलेक्टेड इंडिविजुअल इज नोन एज। चयनित मूल स्रोत की विस्तृत जानकारी रखना क्या कहलाता है? पेडिग्री मेथड, है ना। एंसेस्टर की जानकारी, पूर्वज की जानकारी रखना क्या कहलाता है? पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड से हम वैरायटी को भी डेवलप करते हैं, और हम किसी भी अन्य ब्रीड के बारे में, जैसे कि हमें पशु को खरीदना है, किसी भी एनिमल को खरीदना है, किसी भी दूध वाली गाय को खरीदना है, तो हम क्या देखेंगे? उसके पूर्वज देखेंगे, उसके माता पिता कौन थे, है ना, उनने कितना मिल्क प्रोडक्शन है, उससे कितना मिल्क प्रोडक्शन होता था। तो यही जो जानकारी है वो किसके अंतर्गत मिलती है? पेडिग्री मेथड के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। चलिए अगला है, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर स्कार्ड, उर्वरकों पर किया जाने वाला व्यय क्या होता है? तो क्या होता है भाई? वेरिएबल कॉस्ट होती है, परिवर्तनशील लागत होती है ना, निश्चित नहीं होती, परिवर्तनशील होती है, ठीक है।
बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है। नेक्स्ट अगला है रिचेस्ट सोर्स ऑफ पेक्टिन, क्या दिया, सॉरी प्रोटीन दिया है, पेक्टिन नहीं है, प्रोटीन अमोंग फूड ग्रेन्स इज, यानी खाद्यान्नों में सबसे अच्छा स्रोत क्या है प्रोटीन का, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई, पल्स है ना, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, पल्सेस में पाई जाती है। ओके, यहाँ पे ऑयल सीड सही नहीं होगा, नहीं आप सोयाबीन को लगा दो फिर, है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है क्या दिया है, द सीड रेट फॉर सोइंग ऑफ बोल्ड सीडेड लेंटिल, है ना, लेंटिल, तो बड़ी मसूर की बुवाई जो है, बुवाई के लिए कितने बीज की मात्रा लगती है, देखो कितने बीज की लगती है भाई, बोल्ड सीडेड दिया है, देखा जाए तो एक्चुअली जो होती है वो 80 से 50 ही होती है भाई, है ना, तो ऑप्शन इसमें 80 से 85 किलोग्राम है नहीं बड़े सीड वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 75 हो जाएगा, वो जो स्मॉल सीडेड की होती है वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, तो बोल्ड सीडेड की, बड़े सीड की जो सीडेड लेते हैं वो 50 से 75 लेते हैं, या इसको नोट कर लेना 80 से 50 ही होती है एग्जैक्ट, ठीक है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो क्या लगाया जाएगा, 50 से 75 लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इंटरनेशनल ट्रांसबाउंड्री पेस्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसबाउंड्री पेस्ट छोटा है, ट्रांसबाउंड्री पेस्ट है तो कौन सा है, लोकस्ट है, टिड्डी है, ठीक है, इंटरनेशनल पेस्ट भी कहते हैं इसे, तो आंसर क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है एरोइंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, एरोइंग जो है वो किस फसल से संबंधित है, तो एरो जो होता है वो किसके पुष्पक्रम को कहते हैं, सुगर केन को, है ना, तो पुष्पक्रम निकलने की क्रिया जो है, जो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, एरोइंग कहलाती है, तो किससे संबंधित हो जाएगी, सुगर केन से, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है वो किसके कारण होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हिंदी में कहते हैं चूड़े लाचिता, क्या कहते हैं, चूड़े लाचिता, तो किसके द्वारा होता है, ये फंगस के द्वारा होता है, हमेशा याद रखना, जितने भी मिल्ड्यू डिजीज होते हैं, मिल्ड्यू जिनके नाम के पीछे लगा हो वो समझ जाइए कि वो किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन जो प्रसार शिक्षा है वो एक क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है संचार प्रक्रिया में, सबसे महत्वपूर्ण, संचार का मतलब है तो कम्युनिकेशन, हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो यही कहलाता है कम्युनिकेशन, है ना, तो इसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं, पहला सेंडर, किसने मैसेज को सेंड, मैसेज सेंडर, है ना, मीडियम और रिसीवर, यानी कि मैसेज जो है वो किसने दिया है, ठीक, सेंडर, मैसेज तो हो ही गया है, फिर क्या है चैनल, किसके माध्यम से गया है वो वहां से वहां तक, पहले चिट्ठी जाती थी, है ना, माध्यम था वो भी एक, अब मोबाइल के जरिए ठीक बात हो जाती है, और रिसीवर कहाँ पे पहुंचाना है हमें वो रिसीवर, तो इसमें दो, इनमें से अगर देखा जाए तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, रिसीवर और सेंडर, तो यहां पे रिसीवर दिया नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, रिसीवर, ठीक है, सेंडर दिया नहीं तो रिसीवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद, है ना, तो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तो फॉरेन आइडिया, लोकल आइडिया, डिफरेंट आइडिया, प्रोग्रेसिव, तो तकनीक का स्थानांतरण संबंधित है किससे, प्रगतिशील विचार से, प्रोग्रेसिव आइडिया से, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द मेरिनो इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड विच प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुल, जो भेड़ की लोकप्रिय नस्ल है मेरिनो, है ना, तो इसमें ऊन का उत्पादन मिलता है, तो ऊन जो होती है वो किस कैसी होती है, मीडियम वुल होती है, कॉम्पैक्ट होती है, या फाइन होती है, या लार्ज, ठीक है, तो क्या होगा भाई, फाइन वुल, है ना, तो मेरिनो से कैसी वुल निकलती, कैसी ऊन प्राप्त होती है हमें, महीन, है ना, अच्छी पर, अच्छी क्वालिटी की। चलिए नेक्स्ट दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला नेक्स्ट दिया है कॉक्सीडोइसिस बीमारी, मवेशियों में होने वाली कैटल्स में जो कॉक्सीडोइसिस डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। चलिए वायरल के द्वारा जो
एक वायरल डिजीज भी होता है रानीखेत, पूछा भी जाता है कि रानीखेत जो डिजीज है वो किस में होता है, तो पोल्ट्री में होता है, किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा। ओके, इसको याद रखना भाई। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरली नॉट यूज्ड फॉर साइलेज मेकिंग, है ना। तो साइलेज कब बनाते हैं, जब चारे की कमी पड़ जाती है ना। तो चारे को क्या है, छोटे छोटे पार्ट में कट करके कंजर्व करके उसे रख दिया जाता है, किसी भी पिट में दबा दिया जाता है। तो साइलेज किन किन फसलों की बनाते हैं, तो साइलेज किन किन फसलों की बनाते हैं, ठीक है, जिनका जो फॉर्डर होता है वो सकुलेंट होता है ना, मुलायम होता है, उनकी बनाते हैं। ठीक, तो किसकी बनाते हैं, मेज भी साइलेज में लेते हैं, वीट एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वी। तो बाकी सोरघम और बाजरा की साइलेज बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बी। अगर पूछा जाए निम्न में साइलेज सबसे बेस्ट किसकी होती है, तो मेज की, फिर बाजरा और सोरघम की, ठीक है। तो साइलेज किससे नहीं बनाते, तो वीट एक्स्ट्रा से, ठीक है, गेहूं का जो भूसा होता है उससे। ठीक, साइलेज होता क्या है, हमने बताया जब चारे की कमी हो जाती, तो समय क्या हो जाता है, चारे को जो चारे की, जैसे कि मान लो हमें पता है कि 2 महीने बाद चारा खत्म हो जाएगा हरा, है ना, तो उसी चारे को जो मैंने उगाया है उसको क्या करते हैं, कंजर्व करके एक पिट में दबा दिया जाता है। वो एक प्रोसेस होती है इंसुलिन जिसे कहा जाता है, ठीक है, साइलेज बनाने की प्रोसेस क्या कहा जाता है, इंसुलिन, उसी से किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विच वन इज नॉट अ रोमिनेंट एनिमल, है ना। तो रोमिनेंट एनिमल कौन सा है जिसमें एक ही पेट पाया जाता है, ठीक, नॉन रोमिनेंट जिसे कहते हैं, तो पिग आंसर हो जाएगा, बाकी रोमिनेंट एनिमल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिग, सुअर, ठीक है। द बोटेनिकल टर्म फॉर बनाना इन्फ्लोरेसेंस, केले के पुष्पक्रम के लिए वानस्पतिक शब्द यूज होता है, कौन सा होता है भाई, थायरस, कौन सा होता है, थायरस, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर पुष्पक्रम को पूछा कहते क्या कहते हैं, तो स्पैडिक्स टाइप का होता है, ठीक है, साइंटिफिकली क्या कहते हैं, थायरस। अगला सवाल, यंग सीडलिंग डिजीज ऑफ पपाया, पपाया की पौध में किस रोग का प्रकोप होता है, पौध में किस रोग का प्रकोप होता है ना, जो ऐसा रोग जो सीडलिंग पे ज्यादा होता है। तो पहला है डैम्पिंग ऑफ स्टेम रॉट, अर्ली ब्लाइट और ब्लैक रस्ट, तो कौन सा होता है, सीडलिंग स्टेज पे डैम्पिंग ऑफ, है ना, डैम्पिंग ऑफ, है ना, पौध सड़न जिसे कहते हैं। ठीक, किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, फंगस कौन सा है, पिथियम स्पीसीज, लगभग डैम्पिंग ऑफ जो है वो पिथियम स्पीसीज से ही होते हैं, पिथियम अफेनी डर्मेटस। ओके, चलिए आंसर क्या है, डैम्पिंग ऑफ, अगला सवाल क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ ओनी अनियन, अनियन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सटाइवम किसका है, मटर का है, एलियम सीपा किसका है, अनियन का है, एलियम सटाइवम लहसुन का, और जिंजिवर ये दिया है, जिंजिवर ऑफिसिनेल ये किसका है, जिंजर का है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, एलियम सटाइवम किसका है, लहसुन का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच एनिमल हैज लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, किस पशु का गर्भकाल जो है वो सबसे लंबा होता है, किसका होता है भाई, किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होता है, तो सबसे लंबा किसका होता है, बफेलो का, 310 दिन, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड काऊ का कितना होता है, 285, 285 या 284, गोट का 147, सीप का 150, ठीक है, तो सबसे बफेलो का कितना होता है, 310, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल, गोट मीट इज कॉल्ड, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है भाई, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, चिवन, क्या बोलते हैं, चिवन, बीफ बोलते हैं किसके, बफेलो के या काऊ के, काऊ के मांस को बीफ बोलते हैं, बुफेन बोलते हैं बफेलो को, ठीक है। मटन किसका होता है, सीप का मांस कहलाता है, पोर्क क्या होता है, सुअर का मांस कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और चिकन तो सबको पता ही होगा, है ना, चिकन सभी लोग खाते हैं लगभग, क्यों, ठीक है, तो चिकन सबको पता होगा, मुर्गे के मांस को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रानीखेत डिजीज फाउंड इन, अभी बताया था रानीखेत जो रोग होता है वो किसमें पाया जाता है, पोल्ट्री में, किसमें, मुर्गी, ठीक, तो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ,
तो ड्रॉट पर्पस भारवाही नस्ल है ना, तो भारवाही नस्ल कौन सी है इसमें? सिंधी, साहिवाल और गिर जो है वो मिल्च कैटल है हल्लीकर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बाकी सिंधी साहिवाल जो है वो मिल्च कैटल है, दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट कंटेंट्स। अमोनियम सल्फेट में जो है 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है, 24% जो है वो सल्फर पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21% नाइट्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा? 21% नाइट्रोजन और 24% क्या पाई जाती है इसमें? सल्फर पाई जाती है। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है द कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन इंजन कनेक्ट्स द क्रैंक शाफ्ट विद। इंजन में कनेक्टिंग रॉड जो होती है क्रैंक शाफ्ट के किस को जोड़ने के लिए होती है ना, तो पिस्टन को जोड़ते हैं उससे। किसको जोड़ते हैं? पिस्टन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट रेट ऑफ इरोजन, सॉइल इरोजन डिपेंड्स ऑन। मृदा में अपरदन की दर है वो किस पे निर्भर करती है? तो मृदा में जो सॉइल इरोजन की दर है वो देख लेते हैं किस पे, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की तीव्रता। अगर देखो वर्षा की इंटेंसिटी ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा तेजी से हो रही है, तो पार्टिकल आसानी से डिटैच हो जाएगा। जितनी तेज वर्षा होगी उतना ही पार्टिकल डिटैच होकर बहता रहता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रेनफॉल भी, वो सॉरी इरोजन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ सॉइल। तो अगर देखो ढालू मृदा है तो इरोजन ज्यादा होगा वहां, क्योंकि पानी का बहाव वहां तेज हो जाता है। ठीक, मान लो इस प्रकार की सॉइल है तो यहाँ पर बहाव, जैसे पानी यहाँ आएगा, मान लो बारिश हुई है ना, पानी का बहाव ज्यादा होगा कि नहीं? तो जब बहाव ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मात्रा मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशन। तो क्ले सॉइल में इरोजन ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल छोटा होता है, आसानी से जाया जा सकता है, एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है पानी के द्वारा। वेजिटेशन कैसे इफेक्ट करती है? अगर मान लो कि यहाँ पे घास उगी हुई है ना, तो घास क्या करती है? एग्रीगेशन में हेल्प करती है ना, ढेला बना लेती है। तो जब एग्रीगेशन हो जाता है तो रेनफॉल का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी इफेक्ट करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। द कार्बोरेटर इज मेन पार्ट ऑफ इंजन। कार्बोरेटर इंजन का मुख्य भाग होता है किस इंजन का? तो याद रखना पेट्रोल इंजन का। किसका? पेट्रोल इंजन का। ठीक है, किसका होता है ये? पेट्रोल इंजन का। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे जो कि 2020 का पेपर था। अब देखो मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग कल मिलेंगे, अब डिस्कस कराएंगे लगभग पर डे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के, है ना, तो जो कि बीसीईसी एग्जाम में इसी टाइप से पेपर बनाया गया है, वो हर पेपर को इसी टाइप से बनाया गया, इसी बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, बेसिक रहेगा उसमें, इसी आधार पर बनाया गया। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो कि हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। देखो हम कंफर्म नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जाम है, देखो है ना, पैटर्न यही है, बेसिक इसी टाइप के क्वेश्चन है, उससे लगभग आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे जितना भी एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई सुमित पाल ऑनलाइन होता है। चलिए मिलते हैं कल।